गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जेके की कॉपी निकाल लीजिए, उसे ओपन कर लीजिए। आज हम जेके कॉपी में एक्स पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट में एक्स लिखना सीखेंगे। एक्स से क्या होता है, एक्स इज एस फॉर एक्समस ट्री। मैंने यहाँ देखिए एक्समस ट्री की पिक्चर बनाया है। इस तरह से मैं आप अपनी कॉपी में अपने पेरेंट्स की हेल्प से एक्समस ट्री की पिक्चर ड्रॉ करेंगे और हेडिंग को मेंशन कराएंगे। उसके बाद एक्स लेटर लिखेंगे, पेयर अल्फ़ाबेट में एक्स लिखेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको वी और डब्ल्यू लिखना सिखाया था। वी और डब्ल्यू लिखना इसके पहले वीडियो मैंने सिखा दिया था। आज हम लिखेंगे एक्स। तो मैंने इस एक्स सेज एक्स फॉर एक्समस ट्री होता है, इसको लिखेंगे। फिर से एक्स की एक्समस ट्री की पिक्चर ड्रॉ करेंगे। चलिए अब हम लोग लिखते हैं। पहले कैपिटल एक्स लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स। कैपिटल एक्स ऊपर से लेकर नीचे तक की थ्री लाइन में होगी और स्मॉल एक्स केवल बीच की टू ब्लू वाली लाइन में होगी। इसे ध्यान से देख के लिखिएगा, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल, स्मॉल। ये पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हम लिख रहे हैं। पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट में लेटर एक्स लिख रहे हैं। सुंदर सुंदर राइटिंग अपनी कॉपी में लिखेंगे। कॉपी एकदम साफ होनी चाहिए। जैसे मैं देखिए मैं कॉपी लिख रही हूँ, लेटर एक्स लिख रही हूँ। पेयर ऑफ अल्फाबेट में मैं लेटर एक्स लिख रहे हैं। इस तरह से आप ही अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट में एक्स लिखेंगे। एक्स पेयर ऑफ अल्फ़ाबेट पेयर ऑफ अल्फाबेट्स लिख रहे हैं। सब सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेंगे। हमारा कॉपी पे मैंने पेयर ऑफ अल्फाबेट्स में एक्स लिखवा दिया है क्लास में। अब इसका होमवर्क है वाई, फिर इसके बाद एक्स करके वाई लिखनेंगे पेयर ऑफ अल्फाबेट्स में। वाई सेज ऑफ फॉर याच, मैंने आज की पिक्चर ड्रॉ किया। इस तरह से आप अपने कॉपी में याच की पिक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर इसे कलर कीजिएगा और इस तरह से हेडिंग लिखिएगा। ये आपका होमवर्क है एच डब्ल्यू, ये आपको अपने घर से करना है। एक लाइन में लिख दे रही हूँ, कैपिटल वाई ऊपर की थ्री लाइन में, स्मॉल ऊपर की रेड वाली लाइन से, नीचे की ब्लू वाली लाइन से रहेगा। इस तरह से आप लोग इंग्लिश में भी कैप पेयर ऑफ अल्फाबेट्स लिखे होंगे स्मॉल लेटर, तो इसमें इस तरह से आप अपने कॉपी में इसे पूरी कॉपी भर के लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।